गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ चार संधि। यहाँ दो उदाहरण मैंने दिए हैं, विद्या प्लस आलय विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो इसमें ये दो शब्द लिखे हैं, इनको जोड़कर बना विद्यालय। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब दो परिवर्तन जो आता है, उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ जो दो शब्द दिए हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द, जो वर्ण आएगा उनके मेल से जो बना वो बना विद्यालय। ठीक है, ये हो गई संधि इनकी। अगर इनको अलग कर, इस संधि शब्द को अलग कर देंगे तो उसको वर्ण विच्छेद कहेंगे। ठीक है, किसी शब्द को अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाएगा, और अगर विच्छेदित जो शब्द हैं दो उनको जोड़ना वो कहलाता है संधि। ठीक है, वर्णों के अनुसार संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि में के भी पांच प्रकार हैं। देखिए, स्वर संधि के पांच प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ आपकी कक्षा 6 है, इसलिए हम यहाँ पर स्वर संधि के सिर्फ दो संधियों का ही इन्हीं भेदों पर चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।